हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो अभी जो मिशन है हमारा, वो फ्रैंकलिन भैया को कॉल आता है लेस्टर का। सो पुराने एपिसोड में बहुत सारे बंदों की जो सुपारी है जो उन्होंने फ्रैंकलिन भैया ने ली थी, सो फ्रैंकलिन भैया पैसे लेके बंदों को मार देते हैं। सो इनको एक फ़ोन आता है लेस्टर का कि एक बंदा है जो बिल्डर है, जो कि बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट करता है। सो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उनके काम में, सो उसको हमें मारना है। सो मारने के लिए इनको जो है ना कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन वहीं पे कर रहा है और वहीं पे रहता है। और उस जो जिस बंदे को मारना है वो बहुत बड़ा माफिया है, उसके पास बहुत सारे बॉडीगार्ड हैं, सिक्योरिटी है, मतलब इतनी ज़्यादा है कि उनके पास भयंकर भयंकर गन है। अब फ्रैंकलिन भैया को ये मिशन जो करना है वो बहुत अच्छे तरीके से करना है ताकि ये बच जाए। तो फ्रैंकलिन भैया अपनी नैनो उठाते हैं और कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ निकल जाते हैं। सो फ्रैंकलिन भैया जो नैनो जो ले जा रहे हैं ये बुलेट प्रूफ बिल्कुल भी नहीं है, तो इनको जो है गोली लगने के चांसेस पूरे हैं। और जो बंदा जिनको हम मारने जा रहे हैं वो बहुत पैसे वाला बंदा है, उसके पास बहुत ज़्यादा मसल पावर है। मसल पावर मतलब कि उनके पास सिक्योरिटी है, बॉडीगार्ड्स हैं, और थोड़े से वो भी हैं जो शार्प शूटर्स होते हैं ना, वो भी हैं। बट फ्रैंकलिन भैया को ये मिशन कैसे करना है, तो ये गाड़ी लेके जैसे ही वो बिल्डिंग के पास पहुँचते हैं तो वैसे ही पता चलता है कि जो बंदा है जो कि माफिया का लीडर है, वो फ़ोन बोलता है कि मुझे एक चॉपर चाहिए यहाँ से निकलने के लिए, इन केस अगर कोई मुझे मारने आया तो मैं अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के निकल जाऊँगा। ठीक है, तो अभी जो फ्रैंकलिन है इनको जो है इनका जो मेन काम है वो है कि इनको किसी भी तरीके से टॉप में जाना है। और ये देखो सामने एक बंदा है, तो अरे भाई इसको गाड़ी से उड़ा दिया फ्रैंकलिन ने। सो ये जो है ये भी सिक्योरिटी का आदमी है, इसको जिसको हम गाड़ी से मार रहे, तो इसको हमने गाड़ी से ठोक ठाक के मार दिया। ठीक है, और बाकियों को शायद पता नहीं चला, बाकी भी गार्ड्स हैं उनको पता नहीं चला कि हमने एक उड़ा दिया। फिर हमने यहाँ पे तेल गिरी हुई थी तो गोली मार दी, तो आग लग गई उधर पे और हमें गोली मारने लग गए वो लोग। सो सभी माफिया सिक्योरिटी को पता चल गया है कि हम पहुँच गए हैं, तो वो अंधाधुंध फायरिंग करेंगे लग रहा है अब। सो जो गाड़ी में हमने आग लगाया था वो ब्लास्ट कर जाता है, तो सबको अलर्ट हो गए हैं कि वहाँ पे कोई ना कोई है, तो वो लोग गोली भी मारेंगे। सो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम एम करके किसी न किसी को, ये देखो ये गार्ड आ रहा है, हम इसको एम करके गोली से मार देते हैं ताकि हमें रास्ता क्लियर हो जाए। हमें ऊपर किसी भी तरीके से जाना है, तो ऊपर जाने के लिए हमें रास्ता क्लियर चाहिए। तो सामने एक आदमी है, उसको भी गोली मार दिया है। तो कितने सारे मतलब यहीं पे तीन चार है मतलब सिक्योरिटी वाले, तो ऊपर जाते जाते कितने होंगे पता नहीं। सो बहुत ख़तरनाक मिशन होने वाला है ये, और यहाँ से निकलना कैसे इसका भी आइडिया नहीं है हमें, क्योंकि ऊपर तो चले जाएंगे बट उसके बाद। और इसके पास शॉट गन है, ये देखो शॉट गन से मार रहा है हमें, देखो गोली भी लग रही है हमें। वो बंदा नीचे चला गया इससे पहले कि कोई आए, हमें निकल जाना चाहिए यहाँ से, वो पीछे आ गया शायद। सो फ्रैंकलिन जो है गाड़ी रिवर्स में लेता है और बंदूक पीछे लगा के, वो देखो शॉटगन से जो मारा वो बाहर निकला हुआ है, उसको हम शूट कर देंगे यहीं से देख के, एक और गोली मार देंगे हम लोग इसके। और कोई बचा एक यहाँ पे है देखो। सो इतने सारे सिक्योरिटी वाले माफिया के हैं जो मतलब पीछे से छिप छिप के गोली मार रहे हैं, तो सारे मर गए। अभी मैप में देख रहा हूँ तो एक पीछे आ रहा है, हाँ एक और है देखो, ये भी था, इसको भी एम करके हमने मार दिया। ठीक है, अभी मैप क्लियर है, हमें येल्लो पॉइंटर की तरफ जाना है। सो अब जो है ये अपनी बहुत अच्छी हैवी गन लेके निकल जाते हैं फ्रैंकलिन भैया। उधर पे ऊपर वाले देखो ऊपर से गोली मार रहे हो, उसको भी निपटा दिया। बट दो जो लोग हैं, दो गैंग मेंबर्स अभी भी जिंदा है जो पीछे की तरफ दिख रहा था मैप में हमें, कहीं से तो गोली मार रहे हैं वो। ठीक है, तो इधर पे आए तो यहाँ पे गाड़ी आ रखी है सिक्योरिटी की, एक और स्पेशल सिक्योरिटी वाले हैं, कमांडोज लग रहे हैं, और ये भी मारे जा रहे हैं। इसके पैर में गोली मारने से बच जाएंगे। यार ये कमांडोज ना ऊपर जाने ही नहीं दे रहे, इनको किसी भी तरीके से हटाना पड़ेगा। और ये देखो गोली, कितने गोली मार रहे हैं। एक और कहीं से ऊपर पीछे एक और कमांडो है, वो जो वहाँ भाग रहा है पीछे की तरफ ना, उसको भी वो भागे जा रहा है, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, वो भी मर गया। फिर हमारे फ्रैंकलिन भैया जल्दी से निकलेंगे अभी, और फिर यहाँ से निकलना हमें, ऊपर जाना है किसी तरीके से, जाने नहीं दे रहे हमें रोक रखा है रास्ते में। भाई साहब कितनी सिक्योरिटी है कि कोई भी नहीं जाने दे रहा हमें, इसके तो सिर पर गोली मारूंगा मैं। ये भी अभी भी जिंदा है क्या, नहीं मर गया लग रहा है। ठीक है, अब जैसे ही पता चला कि सारे लोग निपट गए हैं और मैप में भी कुछ नहीं आ रहा, तो यहाँ से निकला जाए और हमें जाना है किसी भी तरीके से वहाँ पहुँचना, इससे पहले कि कोई अटैक नहीं कर दे। इसी ने परेशान किया था मुझे, जाने नहीं दे रहा था, इसकी तो खोपड़ी मैं खोलूँगा फिर से। एक और गोली मारी मैंने। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिल रहा है क्या, यहाँ है कुछ, कोई नहीं है, टायर पंचर कर देता हूँ इनकी ताकि भाग ना पाए। एक ये रहा, ये देखो भाई इसकी भी खोपड़ी फिर से खोलूंगा मैं। सारे कमांडोज हैं ना, देखो भाई गन कितनी अच्छी मिली है इनको। ठीक है, अब इससे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर पे जाके देखना है हमें कि वो बंदा कहाँ है।
जो माफिया का जो बिल्डर है, जो मेन लीडर है, जिनको हमें जिसको हमें मारना है, और उसको अगर हम नहीं मारेंगे तो हमें बिल्कुल भी पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। और लेस्टर हमें पैसा कभी नहीं देगा अगर उसके बंदे को नहीं मारेंगे तो। और ये मिशन को पास करने के लिए हमको उसको मारना है भाई। हर हर फ्लोर पे सिक्योरिटी है, फिर सिक्योरिटी है, क्या करना है पता नहीं, कोई दिख नहीं रहा वैसे तो। अभी तो भाई गोलियाँ चलनी शुरू हो गई, वहाँ पे फर्स्ट एड दिख रहा है, फर्स्ट एड ले लूँगा मैं अगर ये लोग थोड़ा टाइम देंगे तो। भाई ये देखो, ये देखो, ये छिप छिप के गोली मारो, किसी तरीके से उठे और गोली लग जाए उसको, वो उठेगा। और सही टाइम पे गोली लगी, एक गोली तो लग गई, एक और मारूंगा मैं। हाँ लग गया, अब सही सही जगह से गोली लगा, निपट गया वो लग रहा है। एक और मार देता हूँ ताकि दिमाग ना खाए बाद में। यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि बहुत ऊपर जाना है हमें, और भी सिक्योरिटी वाले हैं क्या? ये देखो, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब तो भाई ये सारे मरेंगे मेरे हाथ। ये जिंदा है क्या अभी भी? हाँ, इसको भी छोड़ूंगा नहीं। ऊपर की तरफ निकला जाए भाई। कितने सारे हैं माफिया वाले ना, सारे छिपे पड़े हैं। मतलब कोई लकड़ी के पीछे छुपा है, कोई बिल्डिंग के पीछे छुपा है। वो देखो, दो तो उधर छिपे हुए, इनको तो छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। पीछे जाके मारूंगा इनको, रुको। यहाँ एक मिनट, ये ला यार, इन्होंने भी दो गोलियां मार दी मेरे को। दोनों छिपे ना, इनको यहाँ से नहीं, मैं पीछे की तरफ से गोली मारूंगा। ये यहाँ से जाऊंगा तो ये मुझे मार देंगे, यहाँ से जाके पीछे से सिर पे मारूंगा गोली। रास्ता तो है, देखो ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, इसलिए ना थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा रफ सा है। उसको पता ही नहीं कि मैं यहाँ पे आ गया। ये देखो, उसको समझ नहीं आया। और ले भाई जाने कर, भाई सारे छिपे हुए हैं। फिर दो बंदे ने गोली मारी, ये तो निपट गया। बचे कौन यार, कितने इधर, इसको भी पीछे से मारूंगा। रुको, ये ले भाई, ये ले, ये ले। छिप जाने में फ़ायदा है क्योंकि बहुत सारे हैं। गोलियां ख़त्म होगी, गोलियां चेंज करनी होगी। अभी दोनों जिंदा हैं, ये भी जिंदा है, उधर भी जिंदा है। इसको ये फिर बच गया भाई, मरने का नाम नहीं ले रहा ये। तीन चार लोग आ गए फिर यार, ये मुझे ऊपर ही नहीं जाने देंगे लग रहा है। यार अगर आप होते तो क्या करते, एक बार देख के बताना मुझे कि इस जगह पे क्या करना चाहिए। हमें कूद के जाना चाहिए? आप कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या करना चाहिए। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी भी कर लो, इससे भी भयंकर गेम प्ले होगा अभी नेक्स्ट एपिसोड में। पीछे जाके ना, टेबल से ऊपर जाके पीछे से मारूंगा इन सबको ना, ये साले बचे हुए हैं सबके सब। इधर कोई है क्या? ये तो निपट गया ऊपर से। यहाँ ये था, इसका तो खोपड़ी में खोलूंगा सबसे पहले भाई। और ऊपर से आ गए दो, दो कम थे अभी तो, छोड़ना नहीं मैं किसी को। ये ले भाई, ले, तू भी जा, खोपड़ी खोल दूंगा तेरी तो मैं। एक और गोली खा, तू मर गया ये तो। अब हमें ऊपर जाना है, और मतलब जितना ऊपर जाएंगे उतने और है। और अभी ना हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही है, मुझे लग रहा है हेलीकॉप्टर मंगवा लिया उन्होंने। ऐसा ना हो कि भाग जाए, इससे पहले भागे कि हमें उड़ा देना है उनको। ऊपर पहुंच गया भाई, ऊपर भी माफिया के पूरे सिक्योरिटी वाले हैं। ये तो अलग ही कंस्ट्रक्शन वर्कर लग रहा है भाई। हेलीकॉप्टर से निकल गया वो, ऊपर स्काई स्क्रैपर के ऊपर भी बंदा गोली मार रहा है। छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को अभी। नहीं एक तो रुको, सबसे पहले तो तू जा भाई, तू जो दौड़ के आ रहा था। और ये ऊपर वाले को भी उड़ाऊंगा, वो गिर गया। ये देखो गिरता हुआ मज़ा आ रहा है मेरे को देख के। ये भी बचे हुए हैं, इसकी तो हेलीकॉप्टर ही क्रैश कर दी। गया हेलीकॉप्टर, वो भी गिरा और हेलीकॉप्टर भी गया, बढ़िया ब्लास्ट हो गया। वो जा रहा बढ़िया। एक और बच्चा हुआ, इसको भी मारूंगा। ये लो भाई, खोपड़ी खोल दो इसकी। वो है मेन बंदा, शायद उसी को मारना है हमें। बस निपटा दिया सबको। अब भाई यहाँ से निकलना कैसे पता नहीं, बट यहाँ काफ़ी लोग आ रखे हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर। ये यहाँ से निकलने के लिए रास्ता नहीं, क्योंकि लिफ्ट नीचे जाएगा तो माफिया वाले छोड़ेंगे नहीं मेरे को। कोई शॉर्टकट है, या तो मैं बिल्डिंग से कूद ही जाऊँ, बट कूदूंगा तो बचूंगा नहीं। अच्छा भाई यहाँ पे पैराशूट है, बढ़िया बढ़िया आइडिया है मेरे को, पैराशूट मिल गया है। और कुछ तो नहीं है काम का चीज़ यहाँ पे? नहीं, पैराशूट तो मिल ही गया है। सामने प्लैंक है, यहाँ से आई थिंक हमें यहाँ से निकलने में ही फ़ायदा। और क्या होने वाला पता है आपको नेक्स्ट? अभी देखो क्या करता हूँ मैं करूँगा सीधा यहाँ से। क्या लगता है, जंप करने में फ़ायदा है? ये मेरे पास पैराशूट था तो भैया पैराशूट से जंप ले लिया, काम हो गया मिशन हमारा। पैराशूट खोला हमने, हमें लैंड करना है और बस।
जल्दी से उतरना है और हमारा काम हो जाएगा। सो मिशन सक्सेसफुल कर लिया है हमने, हमें लेस्टर को बस इन्फॉर्म करना है ताकि हमारे पैसे बढ़ा दें और मिशन हमारा पास हो जाएगा। लेस्टर का कॉल आ गया उसी टाइम पे, लेस्टर को इन्फॉर्म कर देता हूँ फिर चला जाए। ये निकल तू बाहर। सो लेस्टर को इन्फॉर्म कर दिया, मिशन पास हो गया हमारा और हमारे पैसे आ गए होंगे। सो दोस्तों ये BTS है कि मैंने मतलब ये एक बार में कंप्लीट नहीं किया था मिशन। सो पहले जब स्टार्ट हुआ था मिशन तो मैंने छोटी गाड़ी से सोचा कि पहले सबको उड़ा दूँ, ठीक है। तो लेकिन इतने माफिया के मेंबर्स थे ना कि गोली मारने लग गए मुझे। तो ये देखो पीछे भी थे, तो मैंने गोली मार के भागने की कोशिश किया, ठीक है। यहाँ पे मतलब पूरा बैक स्टेज में जो जो हुआ है वो देखो। फिर मैंने यहाँ से घुमाया, मैंने फिर सोचा कि आगे से जाऊँ, वैन चेंज करके जाऊँ या फिर गाड़ी चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ से फिर मैंने वापस जो है ना वो दोबारा से स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे मार दिया था उन्होंने। तो इसमें मैंने फिर से गाड़ी लिया था, फिर से आगे से उड़ाया था इसको। अगर फनी लग रहा हो तो आप इसको देखना, बहुत फनी है। और यहाँ से मैंने शूट किया था उनको। फिर मैंने एक ट्राई ये भी किया था कि दूसरी गाड़ी लेके गया था और इसको ऊपर चला दी थी, बट यहाँ पे हुआ था कि मैं लेके तो गया था बट इतनी गोलियाँ मार दी ना उन्होंने कि मेरा मिशन मतलब मैं यहीं रह गया था, मतलब लंबा खींच गया था मिशन। तो मतलब मुझे गोली भी लग गई थी बाद में, तो मैं कर नहीं पाया था क्योंकि मैं मतलब फिर से गया था यहाँ पे बंदे को मारने बट हो नहीं पाया था। सो दोस्तों ये था BTS। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही एंटरटेनिंग वीडियो आपको मिलते रहेगा। सो कीप सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग दिस वीडियो। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट मिशन में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर आप मेरी जगह होते तो इसको कैसे उड़ाते। सो इसी के साथ वीडियो एंड करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।